पिछले 2-3 दिनों से एफआईआई का आंकड़े देख के शाम को थोड़ा सा रिस्पाइट है। कभी खरीद रहे हैं, कभी बहुत हल्का फुल्का बेच के जा रहे हैं। ये दरअसल लौटने की तैयारी कर रहे हैं क्या? आप लोग का चैनल चेक क्या कह रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आशीष जी, क्योंकि आई थिंक अगर परसों का नंबर देखें तो 160 मिलियन डॉलर्स की बाइंग हुई थी और कल केवल 40 मिलियन डॉलर की सेलिंग हुई थी। तो यू आर राइट, आई थिंक कहीं ना कहीं एक साय ऑफ रिलीफ है कि ये, अगर मैं नहीं कह रहा कि ये कंसिस्टेंट बाइंग हो जानी चाहिए, लेकिन अगर वो रेट ऑफ सेलिंग भी कम हो जाए तो एक तरफ से मार्केट को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आशीष जी, मुझे लगता है कि देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर एफआई मनी टू स्टार्ट कमिंग बैक इनटू द मार्केट इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। इसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यूएस एंड अदर रीजन इन द यूरोपियन यूनियन, ये बहुत हद तक फ्रंट लोडिंग कर रहे हैं आशीष जी। मुझे नहीं लगता कि ये पूरे हमारे फिस्कल ईयर तक रेट हाइक्स होते रहेंगे। जिस तरह से 75-75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक हुए हैं, कल रात की भी जो चर्चा हुई है, तो आई थिंक ये कहीं हद तक फैक्टर हो जाएगा कि ठीक है, फेड इतना तक रेस कर रहा है, आरबीआई इतना तक रेस करेगा, लेट लाइफ गो ऑन, स्लो डाउन होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, नंबर्स में आ जाएंगे। एक तरफ से अगर वो क्लैरिटी आ जाएगी, और मुझे लगता है कि अगले 1-आध महीने में शायद वो आ जाएगी, आई थिंक देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर एफआई मनी टू कम बैक। डीआईएस तो स्ट्रॉन्ग रह ही रहे हैं, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, और इसीलिए मैं वीरेंद्र जी को ये कह रहा था कि मुझे मार्केट रेंज बाउंड इसीलिए लग रहा है क्योंकि मुझे पूरा कन्विक्शन नहीं है कि एफआईज आर बैक विद अ बैंग। अगर वो कन्विक्शन आ जाए तो मे बी पोस्ट दिवाली, देन पोटेंशियली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वी कुड मेक अ प्ले टुवर्ड्स 18-18.5 थाउजेंड। पर मुझे लगता है कि अगला 1-1.5 महीना थोड़ा क्रूशियल है क्योंकि एक और रेट हाइक आने वाली है यूएस से, बट आई थिंक ये फ्रंट लोडिंग हमारे फेवर में जाएगा। मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में यू कुड लैंड अप सीइंग दीज सेल फिगर्स टर्न इनटू बाय फिगर्स, इज माय हंच। जो सबसे बड़ा वेरिएबल फिलहाल हिंदुस्तान के लिए है वो है क्रूड, और जिस तरह से क्रूड $100 के नीचे आया है, आई थिंक अगर ये 90 या 85 के आसपास चला गया तो ये जो आप पिछले 2 दिन से निफ्टी में मोमेंटम देख रहे हैं, ये शायद 17,000 की तरफ एक मूव भी कर दे इफ क्रूड कंटिन्यूज टू ट्रेंड डाउन।